गुड आफ्टरनून टू ऑल। सुबह की हमारी क्लास बीच में ही रह गई थी लाइट जाने की वजह से। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सर्वनाम। पेज नंबर 34 इसमें पहला था हमारा सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो जो बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाला आप सुन रहे हो, और थर्ड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तो होते हैं। गुड आफ्टरनून पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनमें जो जो शब्द आते हैं, जो जो वर्ड्स आते हैं, वो हैं मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। इस तरह के जो शब्द हैं ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी यहाँ पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो उत्तम पुरुष में ये बॉक्स में देखो आप, अपने लिए प्रयुक्त होता है उत्तम पुरुष होता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। माइक म्यूट करो। अंश, मीणा, मुशर्रफ, जो उत्तम पुरुष है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त तो होता है और इसमें एक वचन बहुवचन जैसे शब्द आते हैं। जैसे अगर खुद के लिए प्रयुक्त तो हुआ है तो मैं, मुझे, इस तरह के शब्द आएंगे। बहुवचन जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके लिए हम यूज में लेंगे, जो हम शब्द हैं वो यूज में लेंगे। फिर है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जिससे बात की जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये आपके लिए आएगा। तो जैसे मैं तुम, तू, तुम्हें, आप, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर है हमारा लास्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए आते हैं। इसमें जो शब्द आते हैं वो है वह, वे, उसका, उसके, इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। अब आया हमारा भेद नंबर 2 जिसमें है, जिसका नाम है निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय यानी जो चीज निश्चित है, फिक्स है, फिक्स जो स्थिर है, कहीं हिल डुल नहीं सकती, बिल्कुल सही है उसके लिए कि ये चीज हमारी निश्चित है, फिक्स है, वहां पे हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम आता है। इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिससे हमें उस चीज की निश्चितता के बारे में पता चलता है कि ये चीज ये ही है। जैसे ये चौक है, चौक है, फिक्स है ना। अब मैं इसको पेंसिल नहीं बता सकती, या तुम लोग नहीं बोल सकते कि ये पेंसिल है, पेन है, ये चौक है तो चौक ही रहेगा। यानी ये निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चित है कि ये चौक ही फिक्स है। इसके लिए जो शब्द आएंगे वह, यह है, यह, वह, ये, वे आदि। अब नीचे ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, यह बहुत महंगा है। जो भी फ्रूट वो ले रही है लेडी, वो उस फ्रूट के लिए कह रही है कि यह बहुत महंगा है। फिर दूसरे चित्र में देखो, उसे उठा लाओ। तीसरे चित्र में मुझे यह दे दो। तो ये फिक्स चीज है, इस चीज को उठा लो। जो भी चीज दिख रही है वो फिक्स है, वो अनिश्चित नहीं है। दिख रही है, समझ में आ रही है, तो वो फिक्स है। मुझे यह दे दो, जो भी पिक्चर है, जो भी चित्र है, जो भी कुछ चीज चाहिए, हम उसकी साइड इशारा करके बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज दे दो। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब है हमारा नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले क्या था? पुरुषवाचक। दूसरा था निश्चयवाचक। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक, यानी जो निश्चित नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, एक है या दो है या तीन है, कुछ नहीं पता।
तो जहां पे चीज की निश्चितता नहीं हो, वस्तु की निश्चितता नहीं हो, किसी पर्सन की निश्चितता नहीं हो, वहां हमारा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, आप उसे नहीं जानते, और फिर अपनी मम्मा को जाके, मम्मा को, पापा को, किसी भी बड़े को आप बताओगे कि मम्मा कोई आया है, मम्मी कोई आया है, कोई, आप उसको नहीं जानते। अगर जानोगे, जैसे चाचा, दादा, मामा कोई आए हैं, तो आप यही कहोगे ना, मम्मी मामा जी आए हैं, मम्मी चाचा जी आए हैं। अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते, किसी आदमी को नहीं जानते, तो आप यही कहोगे कि कोई आया है, यानी उसका आपको नहीं पता, वो अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। ठीक है, समझ में आया? फिर वैसे ही, यस मैम, हाँ, कोई, कुछ, इस थोड़ा, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, जैसे आप लोग फ्रेंड्स आपस में कुछ मांगते हो, तो कोई कोई खाने की चीज लाया है, या फिर कोई चॉकलेट लाया है, तुम कहोगे थोड़ी सी मुझे भी दे देना, बोलते हो ना कई बार, तो वो थोड़ी सी में कितनी, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, कुछ नहीं पता, कितनी भी दे सकता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड है कि वो आपको कितनी देगा, पर उसमें क्वांटिटी नहीं होगी। कि अगर तुम कहोगे मुझे इतनी सी दे दे, तब तो वो निश्चित है। अगर तुम कहोगे कि मुझे थोड़ी सी चॉकलेट दे दे, अब थोड़ी सी में वो इतनी देगा, इतनी देगा, इतनी देगा, इतनी देगा, कुछ नहीं पता। तो यानी जो चीज फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अब इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता, बोध यानी ज्ञान नहीं होता, पता नहीं रहता, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, आदि। तो जहां पे हमें निश्चितता का पता ना चले, वहां पे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। फिर है हमारा, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ खो गया है, नीचे चित्र भी बनाया हुआ है और उसके नीचे लिखा है कुछ खो गया है। अब क्या खो गया, कुछ नहीं पता, किसी का पेन पेंसिल गिर जाता तो कहते मेरी पेंसिल गिर गई, मेरा पेन गिर गया, मेरा इरेजर गिर गया, पर यहाँ कुछ खो गया, अब क्या खो गया वो नहीं पता, यानी ये अनिश्चित है। फिर है कुछ मिल गया है, कुछ मिल गया, क्या मिला, टॉफी मिली, चॉकलेट मिली, पेस्ट्री मिली, केक मिला, क्या मिला, कुछ नहीं पता, यानी ये भी अनिश्चयवाचक है। फिर है कोई दरवाजे पर है, कौन है दरवाजे पर, कुछ नहीं पता, आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, कोई नया बंदा आया है तो जहां पर कुछ, कोई, थोड़ा, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब है हमारा नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन दो वस्तुओं से या दो शब्दों से मिलकर जो बनता है वो हमारा, दो वाक्यों से मिलकर जो बनता है वो हमारा संबंधवाचक, यानी एक वाक्य है उसके साथ दूसरा वाक्य मिल गया तो उन दोनों का संबंध हो गया, दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए, लिखे वो एक साथ जाएंगे पर वो दो वाक्य हैं, तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम वाक्य, जो भी हमारे सर्वनाम वाक्य हैं, वो दूसरे या अन्य किसी सर्वनाम वाक्य से जब मिल जाता है तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके जैसे शब्द हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जो, जैसा, वैसा, आदि, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। पेज नंबर 35। अब इसमें चित्र दिया गया है, हाथी है, तुमने वो कहानी सुनी होगी ना, हाथी की और दर्जी की, तो उसी से ही रिलेटेड है ये, हाथी और ये उसका दर्जी का बेटा,
पहले चित्र में देखो, ऊपर वाले में हाथी आया है उससे कुछ मांगने, केला लेने के लिए या कुछ भी जो दर्जी उसको खिलाता था, और उसमें जो दर्जी का बेटा है, टेलर का बेटा है, वो उसके ट्रंक में, उसकी सूंड में सुई चुभा रहा है। फिर हाथी को गुस्सा आ गया तो दूसरे चित्र में वो अपनी सूंड में पानी लेकर आया और उसको भिगो गया। तो यानी उसने परेशान किया उसको, हाथी को, दर्जी के बेटे ने, तो हाथी ने भी उससे बदला ले लिया। तो इसका जो यहाँ पर वाक्य बना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी उसने जैसा किया वैसा उसको फल मिला ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर है दूसरे चित्र में देखो आप, जो पढ़ेगा वही पास होगा, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो पहले चित्र में वो बच्चा पढ़ रहा है और दूसरे चित्र में उसको ट्रॉफी मिली हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जो पढ़ेगा ही नहीं वो पास कैसे होगा, उसके नंबर ही नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे तभी तो पास होते हो ना। तो बिल्कुल सही है ये वाक्य, और इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसा कि आप इसके नाम से ही पहचान गए होंगे, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो शब्द आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या, कौन, कैसे, किसका, किस लिए, ये जो शब्द आते हैं ये हमारे प्रश्न को दर्शाते हैं, प्रश्न को दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर भी हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने पर किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको, आदि आदि, यानी और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है। तो इसमें जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, बाजार से क्या खरीदा, एक बच्चे ने दूसरे से पूछा कि बाजार से क्या खरीदा, लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता होगा, ऐसे बनाते हैं। और इसके साथ में भी लिखा है क्या, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, बताते हैं, दिखता है कि यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है नेक्स्ट चित्र में, सलमा के साथ कौन आया, कौन पूछा, एक लड़की है और उसकी मम्मा है, वो बता रही है कि सलमा के साथ कौन आया, दूसरा कौन है वो उनको नहीं जानती है, तो कौन से भी पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है तीसरे में, पर्स किसे दूं, ये बच्चा पूछ रहा है कि ये जो पर्स है मैं किसको दूं, तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। फिर है हमारा सबसे लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं, खुद के लिए आता है, वो हमारा है निजवाचक सर्वनाम, जहां वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो इसमें जो शब्द आएंगे, या मैंने ये आपको काम दिया था आपने किया क्या, या मैंने ये, मैं ये काम स्वयं करूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी ये काम, तुम बोलते हो ना मम्मी को मैं अपने आप कर लूंगी बाद में या कर लूंगा, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्वयं के लिए आते हैं और वहां पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आ गया? यस मैम। दोबारा समझाना है कुछ कि बुक वर्क करवाऊं? मैम हाँ मैम, हमें पेज नंबर 34 पे अन्य पुरुष वाला समझ में नहीं आया। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जैसे प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है, मैं बोल रही हूँ, बोलने वाला खुद होता है। मध्यम पुरुष कौन है, तुम सुनने वाले हो, तो तुम्हारे लिए शब्द क्या यूज में लिए जाएंगे, तू, तुम, तुम्हारा, इस तरह के। अन्य पुरुष जैसे कोई तीसरा बच्चा यहाँ से गुजर रहा है, मैं तेरे आपसे बात कर रही हूँ, रिया और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं, रिया तुम, और जो थर्ड पर्सन कोई आया है या गया है या कोई तीसरा बच्चा है, जैसे हम बात करते हैं उसने मेरी पेंसिल ले ली, तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन।
वो है हमारा अन्य पुरुष। जब दो लोगों के बीच में बात होती है और तीसरे व्यक्ति के लिए तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो वो हमारा अन्य पुरुष में आएगा, वह वो उसके इस तरह के जो शब्द हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। आया रिया समझ में? नहीं आया? यस मैम। आ गया? मैम आ गया। हाँ, तीसरे बच्चे के लिए, जैसे तुम दो दोस्त हो और किसी तीसरे बच्चे के लिए बात कर रहे हो, राघव के लिए ही बात कर रहे हो, तो तुम बताओगे ना राघव ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वह वो देख वो उसका पेन लेके जा रहा है, तो वो कौन है? थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम आ गया। अब है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में प्रश्न कह में कह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं। ये आपका जहां आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 33 पर सबसे फर्स्ट वाली लाइन है ऊपर ही ऊपर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 2, लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई अंतर नहीं पड़ता, कैसे? स्पष्ट कीजिए। लिंग के आधार पर सर्वनाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके काम का प्रश्न नहीं है तो इस पे क्रॉस लगा लो, सेकंड वाले पे ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, फिर है प्रश्न है उचित सर्वनाम छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। इनमें से ये जो साइड में दिए गए हैं बॉक्स में, इनमें से हमें उचित सर्वनाम छांटना है और हमें सही जगह लिखना है। तो पहले में है डैश खाना खा रहा हूँ, तो कौन सा सेट होता है? मेरा खाना खा रहा हूँ, गलत, मैं खाना खा रहा हूँ, ये वाक्य पूरा सही है, इसके साथ मैं सर्वनाम आएगा। ओके, मैं खाना खा रहा। फिर है नंबर 2, डैश मेरे घर आया, वह मेरे घर आया। अगर यहाँ पे होते होता कि मेरे घर आए तब आता, यहाँ पे वे मेरे घर आए, आए यानी बहुत सारे, बहुवचन, आया यानी एक वचन, तो एक वचन के साथ में वह आएगा, बहुवचन के साथ में वे आएगा। फिर है नंबर 3, डैश कब जा रहे हो, तो इसमें सही सर्वनाम आएगा आप कब जा रहे हो या तुम कब जा रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप या तुम दोनों ही सही हैं। फिर है पेज नंबर 36, नंबर 4, तुमसे डैश मिलने आया है, कोई मिलने आया है, तुमसे कोई मिलने आया है। फिर है यह कलम डैश है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह कलम किसकी है, क्योंकि पेन को हम यही बोलेंगे, कलम को हम किसकी बोलेंगे, किसका नहीं बोलेंगे। फिर है प्रश्न गय, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो सर्वनाम दिए गए हैं, मेरा, यह मेरा बाग है, वाक्य आपको बनाना है, बस उसमें मेरा शब्द आना चाहिए जो सर्वनाम दिया गया है। फिर है नंबर 2, तुम्हारा, तुम्हारा से हम वाक्य बनाएंगे, तुम्हारा घर कहाँ है। फिर है नंबर 3, हम और आप आगरा गए थे। नंबर 4, उसका, रोहन के साथ उसका मित्र भी पुस्तक पढ़ रहा है। क्लियर, इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आपके समझ में आए। फिर ये जो दिए गए हैं हमारे प्रश्न गृह में, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर सही वाक्य बनाइए। जैसे ये दिया गया है, पहला वाक्य रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन के साथ रोहन का मित्र भी पुस्तक पढ़ रहा है, तो रोहन कितनी बार आ गया? 3 बार। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने सुबह आपको बताया था क्लास में कि एक शब्द, एक संज्ञा शब्द अगर बार बार रिपीट होता है
तो वहां पर हम सर्वनाम प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, एक बार आ गया, दूसरी बार रोहन आएगा तो हम रोहन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे उसके साथ उसका मित्र भी पुस्तक पढ़ रहा। फिर है नंबर दो, सरिता ने कहा कि सरिता को सरिता की मम्मी बुला रही है। सरिता कितनी बार आ गया, सरिता 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 तीन बार। तो यहाँ हम लिखेंगे सरिता ने कहा कि उसे उसकी मम्मी बुला रही है, ठीक है। फिर है करिश्मा ने करिश्मा की मम्मी से कहा कि करिश्मा के भाई के साथ घूम करिश्मा के भाई के साथ घूमने जाएगी। अब करिश्मा 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 कितनी बार आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे करिश्मा ने अपनी मम्मी से कहा कि वह अपने भाई के साथ घूमने जाएगी, क्लियर। फिर है नेक्स्ट, वासु बाजार से वासु के लिए वासु के भाई के लिए चॉकलेट लाया, तो इसे हम लिखेंगे वासु बाजार से उसके लिए और उसके भाई के लिए चॉकलेट लाया। फिर है नंबर पांच, राधा ने राधा की पुस्तक राधा की सहेली को दी, राधा ने अपनी पुस्तक अपनी सहेली को दी। राधा मोहन बोला मोहन बाजार जाएगा, मोहन बोला वह बाजार जाएगा। इस तरह से आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए अगर नाम दोबारा आ रहा है। फिर है हमारा, रवि ने मोहन से पूछा क्या मोहन रवि के साथ बाजार जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे रवि ने मोहन से पूछा क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे। फिर है नंबर आठ, अध्यापक जी ने बच्चों से कहा आज अध्यापक बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे अध्यापक जी ने बच्चों से कहा आज वे बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। फिर है नंबर नौ, सुरेश ने माता जी से कहा राम 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 के मित्र के यहाँ राम की पुस्तक लेने जा रहा है, तो बार बार राम रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, सर्वनाम लिख लेंगे। सुरेश की माता जी ने कहा वह अपने मित्र के यहाँ से अपनी पुस्तक लेने जा रहा है, वह अपने मित्र राम के यहाँ अपनी पुस्तक लेने के लिए जा रहा है। फिर है लास्ट, पिताजी ने सुमन से कहा क्या सुमन ने सुमन का काम कर लिया है, तो इसका हम लिखेंगे पिताजी ने सुमन से पूछा क्या तुमने अपना काम कर लिया है, क्लियर। जब एक संज्ञा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, दो बार तीन बार चार बार, तो उसे हम ना लिखकर हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो क्लास ओवर करें। मैम, हाँ मैम, ये वाले आप पिक सेंड करोगे क्या इनकी? हाँ, वाले की कर दूंगी मैं, पिक सेंड कर दूंगी, उसमें से देख के मैम, फिर भी खुद भी बनाना सीखना है ना। ओके मैम, बाय बाय मैम, बाय मैम।